अब जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये खबर वायरल होती है कि ग्रे लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है, तो सेलिब्रेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सेलिब्रेशन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि बड़ी मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जिसमें इदारे भी शामिल हैं, पर्सनैलिटीज़ भी हैं, सब मुबारकबाद। इसमें एक जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी उसके अंदर जाहिर है कि ये वजाहत नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्या होगा। तो फैटफ के प्रेसिडेंट ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा। दूसरी बात है कि मेरी इंतहाई एक अहम जो जिम्मेदार शख्स हैं उनसे इस बारे में बात हुई, वो सारे इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं बर्लिन में भी। तो उनका ये कहना है कि एक वर्ड ऑफ कॉशन था उनका। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा एक जो जो मिजाज बन गया है कि प्री मेच्योरली हम जो सेलिब्रेट करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। एक वाकया पता नहीं होता भी है हमारे हक में या नहीं होता, लेकिन हमने उस पर लेट्स सी, अपने अल्लाह करे। ख्यालात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में मौजूद रहेगा टिल अक्टूबर 2022, क्योंकि सुबह ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान आज निकल जाए। पाकिस्तान ने कल सोचा कि FATF से वो लोग बाहर निकल गए हैं और उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। अब उसके बाद का सीन ये था कि पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो, मतलब सब लोगों ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ हालांकि मतलब निकल ही गया है लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब आपको भी पता है कि ऐसा नहीं हुआ है। आप आगे वीडियो में देखेंगे। FATF को आपको बता दूं इसमें दो तरीके की लिस्ट होती है, एक ग्रे एक होती है ब्लैक। इसमें किसी भी तरीके की व्हाइट लिस्ट नहीं होती है, मतलब आप इसमें दो में रहोगे या इससे बाहर रहोगे। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ग्रे लिस्ट में हम गए क्यों थे इस पर कोई सामने नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्रेडिट बहरहाल एक ही पार्टी को जाता है, उसका क्रेडिट कोई और नहीं ले सकता। और वो क्रेडिट ऑब्वियसली हमारी एस्टैब्लिशमेंट है। डॉन लीक्स उसकी एक प्रूफ है। ये कोई बहुत पुरानी है, यूब खान के ज़माने की या उसके बाद या के ज़माने की या जाउल हक के ज़माने की या इवन 20-22 साल परवेज मुशरफ के ज़माने की, यानी पहले की बात भी नहीं है, बिल्कुल कल की बात है। 2016 हर चीज़ इस तरह ही मौजूद है, फ़ोन पर आप देख लीजिए क्या वाकया हुआ था। याददाश्त में ताज़ा है कि नवाज शरीफ ने सिविलियन लीडर जो है वो बयान कर रहा है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा है कि टेररिज्म जो हम करवाते हैं, ये टेररिस्ट जो पालते हैं, ये दुनिया भर में जाके जो हम ये तो दुनिया इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारा झूठ को सच मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया हमसे भीख नहीं मांगती, हम दुनिया से भीख मांगते हैं। दुनिया को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें दुनिया की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। तो ये दहशतगर्दों की जो नर्सरीज़ हैं इन्हें बंद कर देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो जो खबर छपी उसके बाद फिर वो रिजेक्टेड का एक ISPR की जानिब से, यानी इन तमाम चीज़ों को उठा के फेंक दिया गया और उसका इंतकाम लिया गया फिर नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान से। और उसके बाद इमरान खान नामी तोहफे को लाया गया इसलिए कि इमरान खान वो काम करेगा कि हम जो मर्ज़ी करते रहें, ये पर्दे डालेगा हमारे झूठ पे, दुनिया को बेवकूफ़ बना देगा। हम अपना इधर भी पटाखा उधर भी पटाखा, यू नो प्ले ग्राउंड अफगानिस्तान है उधर। अच्छा, लेकिन वो जाहिर है कि उसका जो फिर हशर हुआ इस ख्वाहिश का कि हम लेकर आएंगे इमरान खान को और उसके बाद जहां दिल करेगा अपने पंगे शंगे लेते रहेंगे, पैसे खूब दबा के, फेल हो गया। लेकिन जाहिर है कि किसी से कोई हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। और इसका जो क्यों नहीं मांगा जाएगा, इसलिए नहीं मांगा जाएगा क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ से किसी ने हिसाब नहीं लिया। वो हमारी कौमी तरक्की का कातिल था, सबसे बड़ा कातिल हालिया। ये सब बातें की गई, इसमें से बहुत सारी बातें जिसके ऊपर FATF की तरफ से बड़ी तारीफ की गई पाकिस्तान की, बहुत अप्रिशिएट किया गया। लेकिन एक और बात भी की गई है जो शायद हमें यह सेलिब्रेशन करने वालों को नज़र नहीं आई, यानी ये कि उस पर भी बात होनी चाहिए और वो भी कह देनी चाहिए कि वो क्या बात है। जो डिक्लेरेशन आया है वो क्या है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। FATF का ये कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम कंडीशंस कंप्लीट कर ली हैं। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने के लिए रिफॉर्म्स कंप्लीट कर ली हैं। UN की लिस्ट में शामिल दहशतगर्द ग्रुप्स और उनके रहनुमा लीडर सरगना, उनकी प्रोसिक्यूशन पर पाकिस्तान ने बहुत डेवलपमेंट दिखाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से ये सारा काम किया है जो कि काबिले तारीफ है, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे, पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया क्योंकि पाकिस्तान ऑन साइट विजिट का एक अभी काम रहता है, एक इसका प्रोसेस होना है, एक मरहला बाकी है जो कि पाकिस्तान में ऑन साइट विजिट होगा
और जब उसको कर लिया जाएगा तो फिर ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया। The reforms implemented by Pakistan are good for the stability and security of the country and the region. They will ensure that Pakistan's authorities can more effectively tackle money laundering and funding of terrorist groups. The FATF has now recommended an on-site visit to check that Pakistan's reforms are in place and can be sustained into the future. Pakistan is not being removed from the grey list today. The country will be removed from the list if it successfully passes the on-site visit. FATF plenary mein shirkat ke liye Berlin mein maujood hai. Pakistan ke 2018 aur 2021 ke action plans aur unki technical evaluation yahan pe consider hui. Mujhe ye batate hue bahut khushi hai ki FATF ne unanimously पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटिफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक एक टेक्निकल इवेल्यूएशन की टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इवेल्यूएशन की टीम अक्टूबर 2022 के प्लेनरी साइकिल से पहले अपना काम इख्तिताम करे। और के फैटफ टीम जब यहाँ पर आएगी पाकिस्तान में विजिट करेगी तो इस दौरान वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ उसको इंश्योर करेंगी, मेक श्योर करेंगे उनको कि पाकिस्तान ये साबित करे। ये पाकिस्तान के ऊपर होगा साबित करना, उनको नहीं साबित करना, पाकिस्तान को ये साबित करके दिखाना होगा कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द ग्रुप्स की फंडिंग से मुतालिक बड़े ही अच्छे स्टेप्स ले लिए हैं और ये जो मुश्किलात हैं इनसे वो निमट चुका है, अब ये मुश्किलात नहीं रहीं और काबू पा लिए इन पे। ये पाकिस्तान को साबित करना होगा उनको अक्टूबर के महीने में। ये आप याद रखिए, वो अथॉरिटीज़ जो ये कर रही हैं उनको ये साबित करना होगा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं बात, इसमें एक बड़ी अहम बात ये कि वो ये बता रहे हैं कि सारे आइटम्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब ये करके दिखाना होगा। देखिए ये बात तो आप जान लें कि हम खुद बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे, आपको याद होगा हम कहते रहे कि उनको एसेट्स कहते रहे ऐसे लोगों को कि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करते हैं, बाहर भी ये सब कुछ होता है, कब तक हम ये अपने साथ लेकर चलेंगे और पूरी दुनिया से हम एक आइसोलेशन का शिकार हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। इस पर आपको ये करना ही करना होगा। अगर ये बात जो इसके ऊपर तनकीद करते थे और ये कहते थे, सवाल उठाते थे, पहले ही मान ली जाती तो अब तक तो पाकिस्तान कहीं का कहीं होता। आप ये बात याद रखिएगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ नहीं है कि जी सिर्फ बदनामी है और लोग ऐसा सोच रहे हो, जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, जो आपके कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, जो आपके रिलेशंस होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, हमारा तरक्की नहीं कर सका मुल्क, दहशतगर्दी बढ़ती चली गई और तमाम कंट्रीज़ ने, कुछ ऐसे कंट्रीज़ चाइना और अमेरिका भी क्योंकि आपका अलाई रहा तो वो तो चलें कहने पर दे ही देते हैं, उधार भी दे देते हैं, और सऊदी अरेबिया आप देखें अब सब हर एक का अपना अपना अब हो चुका है, अब मुश्किल हो गया सब कुछ, क्योंकि कितनी देर तक आप ये करेंगे, अब तो वो टाइम आ गया, पानी सर से ऊपर गुजर चुका, तो आपको ये करके दिखाना ही दिखाना था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम पॉइंट्स जिन पे नहीं कंप्लीट हो पा रहे थे वो कंप्लीट हो गए। अब एक बड़ा अहम सवाल कि ये किसने कर दिखाया, पीटीआई की तरफ से ही। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया ने प्री निचियो और सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हीं का मजाक हो गया आखिरी में, ऐसा हो गया कि जैसे कट गया हो, समझ रहे हो आप, बेवकूफ़ बन गए हो, इस तरीके का सीन हो गया पाकिस्तान में। अब एफएटीएफ बेसिकली मतलब करती है कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि टेररिज्म का पॉइंट हो या बहुत सारी चीज़ें, हालांकि मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है मेजर गौरव आर ने इस मतलब इस टॉपिक को एक अलग नज़रिए से पेश किया, उन्होंने ट्वीट वगैरह किए, उन्होंने बोला कि यार इमरान खान जब तक था तो एफएटीएफ में पाकिस्तान की हालत ये थी कि मतलब कुछ पॉइंट से चूक रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, इमरान खान जैसे ही गया एफएटीएफ से पाकिस्तान बाहर, मतलब मेरी जरा गौरव आ रहा है बहुत दिमाग से खेलते इनडायरेक्टली वो इमरान खान के नैरेटिव को, इमरान खान के सपोर्टर्स को भड़का रहे हैं। मतलब रीज़न क्या है, इमरान खान के सपोर्टर्स बोल ही रहे हैं कि भाई अमेरिका की साजिश है, ये है वो है, और एफएटीएफ वगैरह सब आपको पता है कि अमेरिका कंट्रोल करता है इनको, आराम से वो हैंडल कर लेता है, तो अमेरिका ने शायद ऐसा कर दिया है, ऐसा कुछ मतलब नैरेटिव सेट कर रहे हैं मेजर गौरव आ रहे हैं। और तो मैं ट्वीट देखकर काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, मैंने सोचा मेजर गौरव आ रहे हैं भी बहुत इंटेलिजेंट है,
ये इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनको बता रहे हैं कि अमेरिका की वजह से हुआ है, अमेरिका की वजह से। इमरान खान बोल रहे हैं कि ये जो करंट गवर्नमेंट आई है, अमेरिका और पाकिस्तान आर्मी इसमें बिक गई है, इसलिए ये इमरान खान को निकाला गया है। तो मतलब आप समझ सकते हो कितना डीप इन्फॉर्मेशन वॉर चल रहा है मेरे हिसाब से तो। और मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ, आप अगर ये सब चीज़ें समझ रहे हो तो प्लीज़ कॉमेंट में अपने जवाब दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक।